नमस्कार दोस्तों। तो पेपर वन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, और आज हम लोग बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 के पेपर टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय प्रशासन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि लोक प्रशासन के आपका जो मुख्य परीक्षा में एग्जामिनेशन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, वो दो खंडों में, दो सेगमेंट्स में बटा होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आर कंपलसरी, और आपको कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस। और इस तरीके से जो ये 8 प्रश्न हैं उनमें प्रत्येक प्रश्न में चार चार प्रश्न होते हैं। इस तरीके से 150 वर्ड्स में आपको अपने आंसर देने होते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस में लिखे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो कैसे हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 2022 के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेन एग्जाम के पेपर को अप्रोच करना है, सेकंड पेपर को, हम आपको वो बताएंगे। हम यहाँ आपको आंसर नहीं लिखाएंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, या पहले दे चुके हैं, या इस बार दिए हैं, तो इतनी समझ आपको है कि इतनी तैयारी आपकी है कि आप आंसर राइटिंग करने में बेहतर होंगे, कहीं कुछ कमी रह जाती होगी। तो पेपर में किस तरीके से आंसर को अप्रोच करें, कैसे लिखें, क्या दृष्टिकोण अपनाएं, ये हम आपको जरूर बताएंगे। तो क्वेश्चन 1A, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत निरंकुशतावादी थी, टिप्पणी कीजिए। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज सेंट्रलाइज्ड डिस्पॉटिज्म, कॉमेंट। तो जब भी कॉमेंट शब्द का प्रयोग होता है, कॉमेंट, टिप्पणी करें, तो मैंने आपको पेपर 1 में भी बताया था कि कॉमेंट में 3 C's होते हैं, टिप्पणी, और वो 3 C's क्या हैं, कंपेयर, क्रिटिसाइज एंड कंक्लूड। यानी जहां अगर पॉसिबल हो तो किसी से उसकी तुलना करें, अगर उसमें कुछ कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, तो उसको बताएं, यानी उसकी आलोचना करें, और फिर अपना एक निष्कर्ष निकालें। तो आप इसमें बताएंगे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेंट्रलाइज्ड डिस्पॉटिक सिस्टम था, लेकिन वैसा सेंट्रलाइज्ड डिस्पॉटिक सिस्टम नहीं था। आप कंपैरिजन कर रहे हैं जैसा कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की तुलना में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ज्यादा सेंट्रलाइज था, क्योंकि नंबर 1, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था, शक्ति पृथकता का सिद्धांत नहीं पाया जाता। नंबर 2, रूल ऑफ लॉ नहीं था, विधि का शासन नहीं पाया जाता था। नंबर 3, मुगल बादशाही विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी कानून बनाने की शक्ति, उसको लागू करने का अधिकार, और न्याय और निर्णय, फैसले देने के अधिकार में सर्वोच्च होता था। कहने को उसका अपना एक मंत्रिमंडल, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, जिसमें तरह तरह के वजीर और दूसरे अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन उनसे कोई सलाह, मशवरा, परामर्श मानना या मुगल बादशाह के ऊपर बंधनकारी नहीं था। और वो ऐसा भी नहीं था कि पूरी तरीके से इस्लामिक शरिया कानून के आधार पर चलता हो, बल्कि जब जरूरत होती थी तो वो शरिया कानून के अनुसार अपने शासन प्रशासन की व्यवस्था को ढाल लेते थे, और जहां जरूरत होती थी वो उस जरूरत के हिसाब से शासन प्रशासन किया करते थे। यानी कि वो पूरी तरीके से एक थियोक्रेटिक स्टेट भी नहीं था, धर्मतंत्र नहीं था। उसमें भारतीय मुसलमानों को बहुत अधिक ऊंचा स्थान नहीं दिया जा रहा था, बल्कि ईरानी मुसलमान, अफगानी मुसलमान, तुरानी मुसलमान, खुरासान के मुसलमान, इनको ज्यादा वरीयता मिलती थी। तो मुगल प्रशासन की विशेषताओं में जो मैंने क्लास नोट्स में आपको लिखाया है कि अगर इसकी आधुनिक राष्ट्र राज्य से तुलना करें,
इफ वी कंपेयर इट विद द प्रेजेंट मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं बता सकते हैं, वही आपको उसमें लिखना है और इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन बी, उपनिवेशवाद से लेकर वर्तमान तक बदलते हुए समय के बावजूद जिला कलेक्टर का पद सराहनीय रूप से अब भी टिका हुआ है, टिप्पणी कीजिए। द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एडमिरेबली सर्वाइव्ड द चेंजिंग टाइम्स फ्रॉम कोलोनियलिज्म टू द प्रेजेंट टाइम्स कॉमेंट। अब जब मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि डीएम किस तरीके से मल्टीपल रोल्स प्ले करता है, उसके बहुल और विभिन्न कार्यदायित्व दिए गए, जिसमें मैंने आपको बताया था एक कलेक्टर के रूप में, एक मजिस्ट्रेट के रूप में, एक प्रोटोकॉल ऑफिसर या शिष्टाचार अधिकारी के रूप में, एक डिजास्टर मैनेजमेंट क्राइसिस मैनेजर के रूप में, एक रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में, यानी मैंने उसके आपके 8-9 प्रकार बताए थे। और फिर मैंने आपको कुछ बड़े ब्रिटिश स्कॉलर्स के नाम और साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या थी, जिसमें डीएम के बारे में क्या कमेंट किया गया, और लास्ट में मैंने ये लिखाया था कि रैमसे मैकडोनल्ड ने क्या कहा, और उसमें उन्होंने बताया कि भारत में अंग्रेजों को इस इंस्टीट्यूशन के लिए हमेशा याद किया जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था, लिखाया था कि इट इज़ लाइक अ टॉर्टोइज ऑन हूज बैक इज स्टैंडिंग द एलिफेंटाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डीएम का पद एक उस कछुए की भांति है जिसकी पीठ पर विशालकाय हाथी रूपी प्रशासन खड़ा हुआ है। तो आज भी डीएम के अगर आप कार्यों को देखें तो उसका रोल बहुत कुछ फैसिलिटेटर का है, सर्विस प्रोवाइडर का है, कोऑर्डिनेटर का है, समन्वयकर्ता, सुविधा प्रदाता, सेवाओं का पर्यवेक्षण करने का है, क्योंकि कुछ अधिकार और शक्तियों में परिवर्तन आया है। जैसे कि 1974 में 1974 में न्यू सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू हुआ, तो जो जुडिशियल पावर्स थी वो पूरी तरह से डीएम से ट्रांसफर होकर के जुडिशरी को दे दी गई। पहले डीएम जुडिशियल पावर्स भी एक्सरसाइज किया करता था। उसके बाद 1991 में 24 जुलाई को मैंने आपको बताया न्यू इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स आए। हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, आउटसोर्सिंग किया, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का संविदाकरण, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का संविदाकरण, ये सारे काम शुरू किए। तो जो डीएम के पास ही अधिकार थे ये धीरे धीरे उनसे जो है बदलते चले गए। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया 73rd-74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसको हम पंचायती राज अधिनियम कहते हैं, ये आया, और इसमें बहुत सारे अधिकार जो लोकल बॉडीज से या सेल्फ गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे, स्थानीय सरकार और स्थानीय निकायों से जुड़े हुए अधिकार थे, वो पंचायती राज संस्थानों को स्थानांतरित कर दिए गए, हैंड ओवर कर दिए गए, ट्रांसफर कर दिए गए। तो डीएम के कार्यों में, उसकी भूमिकाओं में बदलाव तो आया, लेकिन उसका महत्व कम नहीं हुआ। इस तरीके से आप कोविड काल तक आ जाएंगे, जिसमें मैंने आपको लिखाया है कि किस तरह से जिला प्रशासन ने कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया, कहां कहां पर लॉकडाउन लगाना है, कहां कहां पर उनको जो कंटेनमेंट जोन्स बनाने थे उसके फैसले लेने थे। इस तरीके से आप बताएंगे कि कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट का भी काम डीएम ने किया, और किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसमें डीएम की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार की होती है, ये सब जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है उसको आप नोट से देख करके लिखेंगे तो आपका ये उत्तर पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन सी, मंत्रालयों एवं विभागों में कार्यों का निर्बाध संपादन मंत्रिमंडलीय सचिवालय की भूमिका पर निर्भर करता है, विवेचना कीजिए। द स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स डिपेंड्स ऑन द रोल प्लेड बाय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, डिस्कस। अब जब मैंने आपको यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाया था तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में बहुत विस्तार से मैंने क्लास में आपको नोट्स भी लिखाए थे और समझाया भी था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो कॉस का हेड होता है, कॉस, COS, यानी कि कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज, कॉस। तो भारत सरकार के जितने मंत्रालय और विभाग हैं उसमें जितने भी सेक्रेटरी
या सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उन सबको मिलाकर के एक कमिटी बनती है। उस कमिटी का हेड कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। और कैबिनेट सेक्रेटरी का क्या काम होता है कि जो विभिन्न मंत्रालय काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, सुपरविजन हो, और अगर कोई डिले है तो उसको रोका जाए, अगर कोई मुश्किलें आ रही हैं, कोई स्ट्रक्चरल फंक्शनल बॉटलनेक्स हैं, किसी प्रकार के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अवरोध खड़े हो रहे हैं तो उनको दूर करें, और उन सारे फैसलों को लागू करवाने की जिम्मेदारी कैबिनेट सेक्रेटरी की है। जो फैसले कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लिए गए हैं, और इस लिहाज से जब कैबिनेट की बैठक होती है तो कैबिनेट सेक्रेटरी उस मीटिंग में जो एजेंडा है उसको कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। उनका सिटिंग अरेंजमेंट, उनका प्लान, डिस्कशन कैसे होगा, क्या एजेंडा होगा जो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से तय किया जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी ये सब ऑर्गेनाइज कराते हैं, और फिर वो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी प्लानिंग होती है, जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जो कैबिनेट लागू करवाना चाहती है, वो अलग अलग मंत्रालयों के बीच में या इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप्स, अंतर मंत्रालयी समूह, जहां पर एक से अधिक मंत्रालय और विभागों को मिल करके कोई योजना या कार्यक्रम चलानी है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, समय पर योजनाएं और कार्यक्रम अपना लक्ष्य और उद्देश्य पूरा करें, क्रियान्वयन उनका सुनिश्चित हो। सो देयर टाइम बाउंड इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, ओवरकमिंग द डिलेज एंड एंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन, ये सारे फंक्शंस जो हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के हैं। और इसलिए द स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स डिपेंड्स ऑन द रोल प्लेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो हम कह सकते हैं कि यह तभी संभव हो सकता है जब मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा ये सारे कार्य दायित्वों का जो मैंने अभी आपको बताया और विस्तार से जिसको क्लास नोट्स में लिखाया है उसको आप अपने उत्तर में लिखेंगे तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1D, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, इसकी विशेषताओं की पहचान कीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिफाई इट्स फीचर्स। तो इसमें आपको लिखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का क्या महत्व है भारतीय संविधान के निर्माण में। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा बनाई गई, तो संविधान सभा ने दुनिया के 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और जो पहले के कानून अंग्रेज सरकार ने संसद से पारित करवाए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, उनको भी बहुत डीपली स्टडी करके उसको एनालाइज किया, और ज्यादातर ऑलमोस्ट 60% प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले लिए गए, जैसे कि इलेक्शन के प्रोविजंस, सिविल सर्विसेज, एमरजेंसी, पोस्ट एंड रोल ऑफ गवर्नर, ये सारा कुछ जो भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं उसका 60% जो सोर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। और इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इस बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान एकमात्र इसी अधिनियम या इसी कानून से लिए गए हैं, इसी की विशेषताओं को आपको बताना है। क्वेश्चन 1E, मुख्य सचिव राज्य और केंद्र सरकार के बीच मुख्य संचार कड़ी है, व्याख्या कीजिए। द चीफ सेक्रेटरी इज द चीफ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। तो जब मैंने आपको स्टेट गवर्नमेंट के बारे में क्लास में पढ़ाया था तो क्लास नोट्स लिखाते समय और क्लास में डिस्कशन करते समय मैंने चीफ सेक्रेटरी के बारे में आपको बहुत विस्तार से बताया था, और ये भी बताया था कि चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट को हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू लीगेटी कहते हैं। याद आ रहा आपको, जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास की थी उनको याद होगा कि मैंने बताया था कि रेसिड्यू लीगेटी, रेसिड्यू मतलब शेष बचा हुआ हिस्सा, और लीगेटी यानी कि जो काम राज्य सरकार में किसी का नहीं है वो किसका काम है, वो अपने आप मुख्य सचिव का काम है। तो सबके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस, अथॉरिटीज, कार्य भूमिकाएं, अधिकार, शक्तियां, कर्तव्य तय हैं। डीएम के ये काम होंगे, कमिश्नर के ये काम होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ये काम होंगे, लेकिन जो किसी भी व्यक्ति या संगठन या पद को काम नहीं सौंपा गया है,
any work which has not been assigned to any person, individual, institution and organization, that automatically goes to the chief secretary. और इसलिए chief secretary को हम क्या कहते हैं? Residue legati कहते हैं. तो chief secretary का क्या क्या role होता है कि जैसे मान लीजिए high court का कोई order है, उसको implement करना है, या हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से या सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कुछ मांगा है तो कौन जवाब देगा? तो चीफ सेक्रेटरी जवाब देगा. लोकपाल और राज्यपाल अगर राज्य सरकार से कोई फाइल, कोई जानकारी चाहते हैं तो कौन देगा? तो चीफ सेक्रेटरी देगा. इसी तरह से भारत सरकार से जितना भी कम्युनिकेशन, करेस्पॉन्डेंस, मीटिंग्स में हिस्सा, नीति कमीशन या फाइनेंस कमीशन में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है अपने राज्य को, तो फिर कौन करेगा? तो मुख्य सचिव करेगा. इस तरह से आप बताएंगे कि मुख्य सचिव राज्य और भारत सरकार, केंद्र सरकार के बीच जितने भी प्रकार के कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, संचार होता है, संपर्क होता है, वार्ताएं होती हैं, बैठकें होती हैं, वो सब करने के लिए जो व्यक्ति शासन प्रशासन में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया जाता है वो मुख्य सचिव होता है, और इसलिए ये काम उसके लिखेंगे. तो आपका उत्तर पूरा होगा. योर आंसर विल बिकम कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 2A. भारतीय संघ का ढांचा कुछ असममित, असिमेट्रिक विशेषताओं के बावजूद काफी हद तक सममित, सिमेट्रिक है. भारत में भारत और विभेदित समानता के सिद्धांत के माध्यम से राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों की स्थिति का परीक्षण कीजिए. द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज लार्जली सिमेट्रिक एल्बाइट विथ सम एसिमेट्रिक फीचर्स. एग्जामिन दी status of states and union territories through the principle of weighted and differentiated equality in India. तो union state relationship के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था आपको कि किसने तरह के relations हमारे संविधान में संघ और राज्य सरकारों के बीच में दिए गए हैं. मोटे तौर पर हम उन्हें तीन हिस्सों में बांटते हैं, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध. So there are three types of relationship, administrative relationship, legislative relationship and financial relationship. And apart from these three relationship, there are various other miscellaneous types of relationship which are not very formal, rather informal relationship. तो इन तीन प्रकार के संबंधों के अतिरिक्त भी कुछ विशेष प्रकार का संबंध संघ और राज्य सरकार के बीच होता है जो बहुत औपचारिक नहीं होता, अनौपचारिक होता है. तो हम जानते हैं कि अगर इन तीनों संबंधों के बारे में जो स्पष्ट प्रावधान संविधान में दिए हैं तो वो तो सिमेट्रिक प्रोविजंस हैं, जिसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, कोई समस्या नहीं है. लेकिन जहां पर कुछ क्लियर कट डायरेक्टिव्स नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर का दूसरे राज्य के चीफ मिनिस्टर के साथ क्या संबंध होगा, एक चीफ मिनिस्टर का दूसरे राज्य के राज्यपाल के साथ या यूनियन टेरिटरी के LG या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ क्या रिलेशन होगा, या किस तरीके से भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए यूनियन टेरिटरीज और स्टेट गवर्नमेंट्स, संघ शासित क्षेत्र, राज्य सरकारें एक दूसरे के निकट सहयोग आकर काम करेंगे, संचार, यातायात, परिवहन, ये आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़ेंगे, नदी जल का बंटवारा कैसे होगा अगर कोई नदी एक राज्य से दूसरे, दूसरे से तीसरे राज्य में होकर के गुजर रही है, इस तरह से जो जंगल हैं, जो नेचुरल और फिजिकल मटेरियल रिसोर्सेस पाए जाते हैं उनको कैसे बांटा जाएगा, उसको लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है. इन सारे पॉइंट्स को लिखते हुए आप यूनियन स्टेट रिलेशनशिप का जो मेरा लेक्चर है उसको पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप इस आंसर को पूरा बेहतरीन ढंग से लिख पाएंगे, बहुत शानदार तरीके से आप इसका उत्तर दे पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2B. आत्मनिर्भर भारत अभियान एक प्रगतिशील नीति है, विश्लेषण कीजिए. The आत्मनिर्भर भारत अभियान इज अ प्रोग्रेसिव पॉलिसी, एनालाइज. तो जैसा कि आप जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम तब लाया गया था जब कोविड महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई थी, भारत पर भी इसका बहुत ज्यादा और गहरा असर देखने को मिल रहा था. बड़ी संख्या में मजदूर, श्रमिक और वे लोग जो दूसरे शहरों में काम करने के लिए अपने घर, गांव और शहर से छोड़कर भारत के दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में जाकर नौकरी पेशा, रोजगार, कारोबार कुछ कर रहे थे, उनको बड़ी संख्या में वापस अपने घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा. लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनके पास आने जाने के साधन उपलब्ध नहीं थे,
यातायात और परिवहन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे, और तब प्रधानमंत्री ने ऐसे समय में विदेशों से आने वाले आयात होने वाले सामानों को कैसे कम करें, विदेशों पर हमारी निर्भरता आर्थिक रूप से कैसे कम हो, हम किस तरीके से अपने देश को, अपने नागरिकों को अपनी ही जगह पर रोजी रोटी, रोजगार, व्यापार, वस्तु कारोबार के अवसर उपलब्ध कराएं, हम किस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से शहर की ओर पलायन को रोकें, और हम अपने बनाए हुए अपने स्थानीय उत्पादों को, लोकल प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करें, लोकल फॉर वोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया, और इसी के साथ भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे, उस लक्ष्य के बारे में विस्तार से बताते हुए आपको संक्षेप में ये बता देना है कि आत्मनिर्भर भारत दरअसल भारत को आगे ले जाने की दिशा में बनाया गया एक कार्यक्रम है, जिससे कि हम दूसरे देशों पर अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, अपनी सेल्फ रिलायंस इसको बढ़ाएं और उन पर अपनी निर्भरता कम करें, हम उन पर डिपेंडेंस और उन पर रिलायंस कम करें, हम सेल्फ रिलायंस को इकोनॉमिक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इस फील्ड में बढ़ाएं, इसलिए एमएसएमई को बढ़ावा दिया गया, पीएलआई स्कीम को बढ़ावा दिया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की गई और लोकल फॉर वोकल का नारा प्रधानमंत्री ने दिया। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे तो आपका ये उत्तर पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 2C, सांकेतिक नियोजन सार्वजनिक एवं निजी गतिविधियों के बीच समन्वय को आश्वस्त करने हेतु तो नियोजन एवं बाजार तंत्र का एक मध्य पथ है, व्याख्या कीजिए। इंडिकेटिव प्लानिंग इज अ मिडिल पाथ ऑफ प्लानिंग एंड मार्केट मैकेनिज्म टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्टिविटीज, एक्सप्लेन। तो इस क्वेश्चन में आपको लिखना क्या है कि पहले तो जो प्लान्स एंड प्रायोरिटीज वाला आपका पेपर 2 का चैप्टर है, उसमें हम आपको बताते हैं कि प्लानिंग कितने तरह की होती है, प्लानिंग एंड इट्स टाइप्स, नियोजन क्या है और उसके प्रकार कितने हैं। तो जब हम उसमें बताते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग में, तो 1, 2, 3 करके हम कई सारी चीजें बताते हैं कि कई तरीके की प्लानिंग होती है, जैसे कि स्पेटियल प्लानिंग है, लोकलाइज प्लानिंग है, उसी में एक प्लानिंग हम बताते हैं आपको, इंडिकेटिव प्लानिंग, संकेतात्मक नियोजन। यानी एक तो प्लानिंग ऐसी है जिसमें सरकार जब योजना बनाती है तो वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों पर समान रूप से लागू होती है, बंधनकारी होती है, बाइंडिंग होती है। लेकिन इंडिकेटिव प्लानिंग में गवर्नमेंट केवल प्लान का फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर तैयार करके देती है और ये प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड करता है कि वो उस योजना के अनुसार अपनी पॉलिसीज बनाएं, अपना प्रोग्राम चलाएं, अपनी प्लानिंग करें या ना करें। इसलिए केवल इंडिकेशन है सरकार की ओर से, बाइंडिंग नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर इससे कुछ चीजें ले भी सकता है, पूरा भी इसे अपना सकता है, या इसको बिना अपनाए हुए अपने तरह से प्लानिंग करके अपना जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। इसलिए इसको आपको पहले प्लानिंग और उसके टाइप्स डिफाइन करने होंगे। जैसे कि यूनियन स्टेट रिलेशनशिप में भी, जब आप इसके जो दो क्वेश्चन पहले वाला था कि भारत में संघ और राज्य संबंध सिमेट्रिक और असिमेट्रिक है, यानी कुछ पावर्स ऐसी हैं जो यूनियन, जिनके भीतर स्टेट काम करता है, स्टेट, तो सेंट्रिपिटल फोर्सेस और सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस काम करते हैं। सेंट्रिपिटल है, सेंट्रिफ्यूगल, तो जो यूनियन गवर्नमेंट की शक्तियों को बढ़ावा देते हैं वो क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्सेस हैं।
और जो स्टेट को बढ़ावा देते हैं, स्टेट की ओर चले जाते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे संविधान में क्या देखने को मिलता है कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज डिस्पाइट बीइंग ऑल द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो संघात्मक संविधान के पूर्ण लक्षण होने के बावजूद भारत में केंद्रीकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वहां पर भी आप इसका जिक्र करेंगे। और यहां पर भी आप पहले बताएंगे कि प्लानिंग किसे कहते हैं और प्लानिंग कितने टाइप्स की होती है, और फिर उसमें इंडिकेटिव प्लानिंग क्या है इसको डिफाइन करेंगे और उसके बारे में बता देंगे, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था तो वो इसी तरीके की दो तरीके प्लानिंग करता था। एक इंडिकेटिव प्लानिंग करता था जिसमें प्राइवेट सेक्टर को ये छूट होती थी कि वो उस प्लान को एडॉप्ट करे, एक्सेप्ट करे, पार्टली करे, फुल्ली करे, अंशतः करे, पूर्णतः करे, या नई योजना नीति अपनी स्वयं बनाए। तो इस तरीके से इसको आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3A, विगत 3 दशकों के दौरान हुए नवीन आर्थिक सुधारों ने न केवल औद्योगिक लाइसेंस के क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अनन्य आरक्षित क्षेत्र को घटाया है, बल्कि विद्यमान सार्वजनिक उपक्रमों की स्वायत्तता को भी अतिक्रमित किया है। परीक्षण कीजिए, इवैल्यूएशन है। द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ड्यूरिंग द पास्ट 3 decades हैव नॉट ओनली रिड्यूस्ड द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड एरियाज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक सेक्टर, बट ऑल्सो इन्फ्रिंज्ड द ऑटोनॉमी ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि 3 दशकों के पिछले समय में भारत में किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को चलाया गया, हाउ द इकोनॉमी वॉज ऑपरेटेड इन द लास्ट 3 decades। तो उसमें आपको थोड़ा सा ये परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है ये कह रहा है एग्जामिन। तो जब हम एग्जामिन करते हैं परीक्षा, तो एग्जामिन करने का मतलब होता है कि एग्जामिन करने में हम उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को बताएंगे, यानी जो सकारात्मक पक्ष है, जो गुण है, जो उसमें अच्छाइयां हैं वो भी बताएंगे, और जो उसमें नकारात्मक पक्ष हैं, दोष हैं, बुराइयां हैं, उनको भी बताएंगे। तो अब 90s के एंड तक आते आते हमने देखा कि 24th जुलाई 1991 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया और न्यू इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू की। न्यू इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी में शुरू करने का जो मुख्य कारण था वो ये कि भारत में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, भुगतान संतुलन का संकट। और भुगतान संतुलन का संकट, जिसका मतलब यह था कि भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग समाप्ति की ओर बढ़ गया था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि भारत सरकार को अपना गोल्ड डिपॉजिट्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में था उसे मॉर्टगेज करना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा, और बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस बैंक के पास ये सोना गिरवी रख करके हमको IMF से बहुत कठोर शर्तों पर कर्जा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके लिए IMF ने हमारे ऊपर बहुत सारी शर्तें लागू की, जिनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, SAP, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का मोटा मोटा अर्थ यह है कि इसमें IMF ने हमारे ऊपर यह दबाव डाला, हमारे लोक प्रशासन पर, हमारी सरकार पर, कि अपने शासन प्रशासन के तौर तरीकों में, अपने गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर और फंक्शन में आपको कुछ बदलाव करने होंगे। वो क्या बदलाव होंगे? वो बदलाव कहलाएंगे कि आपको LPG की प्रक्रिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन शुरू करना पड़ेगा। आपको कोटा, परमिट, लाइसेंस राज खत्म करना पड़ेगा। आपको इंस्पेक्टर राज खत्म करना पड़ेगा।
इंस्पेक्टर राज का मतलब ये था कि हर सरकारी विभाग का इंडस्ट्रीज में एक इंस्पेक्टर रैंक का अफसर जाता था, चेक करता था कि वो सरकारी नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं। तो रिश्वत बहुत था, करप्शन होता था इस वजह से, और कितना आप प्रोडक्शन कर सकते हैं कोटा था, परमिट और लाइसेंस लेना पड़ता था, ये सारा आपको बताना पड़ेगा। और फिर उन्होंने फोर डीज की बात की। फोर डीज का मतलब ये था कि डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, डिकंसंट्रेशन एंड डीलेयरिंग। यह प्राधिकार जो नौकरशाही के हाथों में मंत्रालयों में बहुत ज्यादा थे उनको कम करना होगा, प्राधिकार में कमी लानी होगी, डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, विकेंद्रीकरण कि जो शक्तियां और कार्य संगठन के शीर्ष पर हो रहे हैं उनको मिडिल क्रम में, मध्य क्रम में, और जो मिडिल पर हैं उनको लोअर लेवल पर लेकर आना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, डी कंसेंट्रेशन यानी विसकेंद्रण करना पड़ेगा। डिकंसंट्रेशन का मतलब है कि कुछ जगह कुछ पद ऐसे हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास बहुत काम है, वर्कलोड है, और कुछ पद और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम काम है या कोई काम नहीं, तो हमें एक प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करना पड़ेगा ताकि किसी एक जगह पर काम का जमाव अधिक ना हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ पावर फंक्शंस एंड अथॉरिटी ना हो। एंड डीलेयरिंग विस्तरीकरण, यानी अभी तक सरकार जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग करती है, निर्णय करने की प्रक्रिया को अपनाती है, उसमें जो कई सारे लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ हायरार्की, पद सोपानिक क्रम, उन क्रम की संख्या को कम करना पड़ेगा ताकि डिसीजन मेकिंग फास्ट हो, निर्णय की प्रक्रिया में तीव्रता आए, गति आए, अनावश्यक विलंब किसी भी निर्णय में न हो। देयर शुड नॉट बी एनी अननेसेसरी डिलेज इन एनी प्लान पॉलिसी एंड प्रोग्राम। और बाद में एक और डी जोड़ा गया जिसको हम कहते हैं डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, और डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन का मतलब हो गया विनौकरशाहीकरण। तो ये फोर डी से एक और डी मिलकर के फाइव डी हो गया। डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन की सरकार ने अपनी सारी शक्तियां कुछ नौकरशाहों के हाथों में दे रखी हैं, सारे कार्य नौकरशाह कर रहे हैं, अब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कीजिए। इस तरह से धीरे धीरे सरकार ने 1991 से यह प्रक्रिया शुरू की। तो आज जब 2022 लगभग खत्म होने को आ रहा है तो 3 दशक 30 ईयर्स हो चुके हैं। इन 30 ईयर्स में हमें इन सब प्रोग्राम्स का, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, कोटा परमिट लाइसेंस राज खत्म करना, इंस्पेक्टर राज खत्म करना, 5 डीज लागू करना, इससे कितना और क्या हासिल हुआ। तो जो मैं आपको जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वाली यूनिट पढ़ाता हूं तो उसमें बताता हूं कि निजीकरण के अभिशाप क्या क्या रहे, व्हाट वर द कर्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, किस तरह से किकबैक कल्चर आया, किस तरीके से शुरुआती दौर में शेयर मार्केट अनरेगुलेटेड रहे जिसकी वजह से बड़े बड़े स्कैम्स हुए, हर्षद मेहता स्कैंडल हुआ, केतन पारेख स्कैंडल हुआ, इन सारी चीजों को लेकर के आप पहले तो जो उसमें कमियां रही उनको बताएंगे, लेकिन फिर उसका अच्छा प्रभाव भी क्या पड़ा, हाउ इट प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ये छुपा हुआ वरदान कैसे साबित हुआ, इसको भी बताएंगे। इस तरह से गुण और दोष दोनों की व्याख्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, परीक्षण हो जाएगा, एग्जामिन हो जाएगा, जिसमें कि आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें बताकर एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। इस तरीके से आंसर कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3B, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग हमारे देश की विकास कार्यसूची तैयार करने में सुपर कैबिनेट बन चुका है, उपयुक्त उदाहरणों सहित इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो अब फिर परीक्षण की बात आ गई, इवैल्यूएशन में एग्जामिनेशन की बात आ गई, अगर इवैल्यूएशन भी होता तो भी आप यही लिखते। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग हैज बिकम सुपर कैबिनेट इन फॉर्मुलेटिंग द डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ आवर कंट्री, एग्जामिन द स्टेटमेंट बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स।
तो आपको इसमें ये बताना है कि ये कहना कि नीति कमीशन सुपर कैबिनेट है, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि नीति कमीशन को प्लान बनाने का राइट नहीं है, फंड एलोकेट करने का राइट नहीं है। ये देश के विकास के लिए विजन और स्ट्रेटजी बनाते हैं और अंततः इसको मंजूरी भारत सरकार की कैबिनेट से ही मिलती है। तो उसको प्लानिंग कमीशन की तरह से, जिस तरीके से अधिकार प्लानिंग कमीशन के पास थे, योजना आयोग के पास थे, कि वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए स्टेट को फंड्स एलोकेट करते थे, वो फाइव ईयर प्लान्स बनाते थे, वो फाइव ईयर प्लान्स को मिनिस्ट्रीज के जरिए एग्जीक्यूट कराते थे, उसमें प्राइम मिनिस्टर उन पॉलिटिशियंस को जो किसी वजह से इलेक्शन हार गए या कैबिनेट में, मिनिस्ट्री में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एडजस्टमेंट नहीं पा सके, तो उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे करके डिप्टी चेयरपर्सन प्लानिंग कमीशन बना दिया जाता था। और जो नंबर ऑफ मेंबर्स अपॉइंट होते थे, फुल टाइम मेंबर्स और पार्ट टाइम मेंबर्स, उसमें उनकी मेरिट और स्कॉलरशिप की जगह पॉलिटिकल इक्वेशंस को ज्यादा देखा जाता था, उनके राजनीतिक समीकरण क्या हैं इन पर निर्णय लिया जाता था। तो इसलिए एक समय ऐसा था कि प्लानिंग कमीशन को सुपर कैबिनेट भी कहा जाने लगा था, लेकिन नीति कमीशन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो आपको पहले आपको नीति कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, यह बताना है। दूसरा, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति कमीशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह बताना है। तीसरा, अभी तक 1 जनवरी 2015 को जब नीति कमीशन ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया और आज 2022 लगभग खत्म होने पर आ गया, हम 2023 में प्रवेश कर रहे हैं, तो इन 7 सालों में नीति कमीशन का कैसा वर्क परफॉर्मेंस रहा है, क्या क्या इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन से लेकर के जो अभियान चलाए हैं उनके एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, किस तरीके से इन्होंने स्ट्रेटजी, विजन और प्लानिंग देश के इकोनॉमिक मॉडल को, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रख करके तैयार करने के लिए एक्सपर्ट्स को लेकर के एक विजन पेश किया, एक स्ट्रेटजी बनाई है, तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे। मैंने बहुत विस्तार से, बहुत ही डिटेल में अपने क्लास में, अपने लेक्चर्स में इसको बताया हुआ है कि नीति कमीशन क्यों बनाया गया, प्लानिंग कमीशन क्यों हटाया गया, और प्लानिंग कमीशन क्या करता था, नीति कमीशन क्या करता था। फिर मैंने एक टेबल बना करके प्लानिंग कमीशन और नीति कमीशन का एक कंपैरेटिव चार्ट स्ट्रक्चर बनाया था, एक तुलनात्मक अध्ययन किया था। तो आप क्लास नोट से इसको लेकर के पढ़ सकते हैं और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3C, संवैधानिक स्थिति के बावजूद जिला नियोजन समितियां योजनाओं को तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने में अस्तित्वहीन बनी रही हैं, विवेचन कीजिए। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज रिमेन्ड अ नॉन एंटिटी इन प्रिपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स डिस्कस। तो जब मैंने आपको पंचायती राज संस्थान से जुड़ा हुआ चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज हैं इनके पास सफिशियंट एडिक्वेट फाइनेंशियल राइट्स नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं है, पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं है, नौकरशाही और राजनीति का हस्तक्षेप अभी भी बहुत ज्यादा है, एक तरीके से उसमें फंड्स एलोकेशन का पूरा काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही करता है, और जो एक्सपर्टाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग के लिए होनी चाहिए, जो स्पेशलाइजेशन प्लानिंग के लिए होना चाहिए, जो डेटा बैंक, जो इंफॉर्मेशन सेंटर, जो स्ट्रेटेजिस्ट जिला स्तर पर काम करें, वैसा जो आधा संरचना विकास का होना चाहिए, ढांचा होना चाहिए, वो नहीं है, और इसलिए ये न तो योजनाएं ठीक से बना पा रहे हैं, न तो योजनाओं को ठीक से लागू कर पा रहे हैं। विवेचना करना है आपको, डिस्कस करना है, तो उसको आपको भी फिर सारी बातें बताएंगे डिस्कशन में, उसमें उसके अच्छे पक्ष क्या हैं, बुरे पक्ष क्या हैं, क्योंकि जब हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं, विवेचन करते हैं, तो विवेचना में गुण और दोष दोनों आ जाते हैं परीक्षण की तरह। इस तरीके से आपका यह आंसर कंप्लीट होगा। भारतीय न्यायिक व्यवस्था शीघ्र न्याय प्रदान करने में असफल रही है, न्यायपालिका के सम्मुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिए तथा उन्हें दूर करने के उपाय भी सुझाएं। The Indian judicial system has failed to deliver justice expeditiously. Examine the challenges faced by the judiciary
एंड सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम देम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है अपने लेक्चर्स और अपने क्लासरूम में कि हमारी जो जुडिशरी है उसके सामने नंबर ऑफ केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, पेंडेंसी लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला, जजेस पॉपुलेशन रेशियो क्या है कि हमारे यहाँ जितनी बड़ी जनसंख्या है उसके अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या क्या है। दूसरा, जो हमारे यहाँ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, न्याय प्रणाली है, प्रशासन है, न्याय को चलाने वाली व्यवस्था है, वो अंग्रेजों के जमाने से जैसी चली आ रही है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इंडियन पीनल कोड 1860 का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी अब हालांकि नया बना लेकिन 1974 से लागू हुआ, वो भी काफ़ी पुराना हो चुका है, लगभग 48 साल पुराना है। तब आज की तरीके के जो जुडिशियल मैटर्स थे वो बदल चुके हैं। फिर हमारा जो पूरा जुडिशियल सिस्टम काम करने का तरीका है, यानी कि पहले उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर उसमें इंक्वायरी होगी, फिर उसमें ट्रायल होगा, फिर उसमें डिसीजन आएगा, तो ये जो बहुत मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, प्रक्रिया बहुत ही लंबी है और बहुत सुस्त है। फिर जो बार काउंसिल है और जजेस हैं, ये आमतौर पर कभी स्ट्राइक की वजह से, कभी स्वास्थ्य कारणों की वजह से, कभी समर वेकेशन की वजह से, कभी विंटर वेकेशन की वजह से, बहुत सारे एक साल में जो वर्किंग डेज होने चाहिए वो कम पड़ जाते हैं, तो तारीख पे तारीख लगती चली जाती है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने चाहिए। सुझाव में आप बता सकते हैं कि आर्बिट्रेशन, रिकंसिलिएशन और मीडिएशन, इनको बढ़ावा देना चाहिए। जो आउटडेटेड लॉज हैं, पुराने पड़ चुके कानून हैं, जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, इररिलेवेंट हैं, उनको बदलना चाहिए। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है, उसी आज 2022 खत्म हो रहा है, 2023 शुरू हो रहा है, पूरा एविडेंस एक्ट बदल करके हमें नए सिरे से काम करना होगा। डेटा प्रोटेक्शन के लिए कानून लाना होगा, जिसके लिए काम तो हो रहा है लेकिन अभी तक वो कानून अंततः पारित आज की तारीख में कम से कम 30 दिसंबर 2022 तक तो लागू नहीं हुआ है न पारित हुआ है। तो मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ केसेस हैं, पेंडेंसी है, वो बढ़ती जा रही है। इसके लिए केवल जुडिशरी को ही जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। फिर सबसे ज्यादा मुकदमे तो सरकार के खिलाफ दायर होते हैं। सरकारी विभाग अगर अपना काम ठीक ढंग से करें तो लोग अदालतों में मुकदमा दाखिल करने जाएंगे ही नहीं। यानी सरकारी विभाग और मंत्रालय अगर अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निभा लेंगे तो न्यायपालिका के आधे मुकदमे तो अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि 90% से ज्यादा लिटिगेशन तो गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। इस तरह से आपको ये सुझाव देना होगा कि सरकार जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जितनी संख्या में होने चाहिए, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वो भी नहीं टाइम पर रिक्रूटमेंट करती है। 2018 में यूपीपीसीएस जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था और अब 2022 में उसका नोटिफिकेशन आया है, यानी 18 के बाद 19, 20, 21, 22 चार साल बीत गए, अब जाकर के नोटिफिकेशन आया है। 2023 में प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर पता नहीं कब मेंस का एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उस पर रिट हो जाएगी तो हाईकोर्ट में मैटर चला जाएगा, फिर उस पर रिट होगी अपील में, सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा। तो जजेस की एक तो सैंक्शन स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनेट नहीं है, जनसंख्या के हिसाब से आनुपातिक नहीं है। दूसरा, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में भी पूरी तरह से फुलफिल नहीं की गई है, भरी नहीं गई है। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के भी गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सारी चीजें जब आप लिखेंगे तो आपका यह आंसर कंप्लीट होगा। एक राष्ट्र एक कर नीति के विशेष संदर्भ में संघ राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित विवादों के विशिष्ट क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज विद रिगार्ड टू यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी। ये हमारे देश में बहुत दिनों से चर्चा में इधर हाल में है कि जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स की संज्ञा दी गई, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी भी
इनकम टैक्स है, अभी भी कॉरपोरेट टैक्स है, अभी भी तमाम तरीके की ड्यूटीज हैं। हाँ, जीएसटी आने से बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को जीएसटी के तहत लाया गया और शुरुआती दौर में बड़ी दिक्कतें हुई और अंततः एक जीएसटी काउंसिल ने तरह तरह की तमाम समय पर बैठकें की, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी अध्यक्षता में, और सारे गुड्स एंड सर्विसेज के रेट्स तय किए। लेकिन अभी तक इसमें पेट्रोल को शामिल नहीं किया गया, अभी तक इसमें लिकर को शामिल नहीं किया गया। बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि अभी भी जीएसटी काउंसिल के सामने समय समय पर उठते रहते हैं। तो वन नेशन वन टैक्स का तो एग्जैक्ट मतलब ये है कि पूरे देश में एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, यानी केवल एक टैक्स लगे, जैसा कि दुनिया के बहुत सारे देशों में है भी। वो कंजम्पशन टैक्स हो सकता है, वो एक्सपेंडिचर टैक्स हो सकता है कि आप जितना कंज्यूम करेंगे उतना टैक्स आप दे दीजिए, जितना आप एक्सपेंडिचर या खर्चा करेंगे उतना टैक्स दे दीजिए। तो जब हम यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को डिस्कस करते हैं तो इस इशू पर हम आएंगे कि क्या भारत में एक सिंगल टैक्स का मतलब वन एंड ओनली वन टैक्स सिस्टम इज पॉसिबल और नॉट, कि भारत में केवल एक कर प्रणाली हो, बाकी सारे तरह के टैक्सेस को हटा दिया जाए, सारे तरह के करों को समाप्त कर दिया जाए। तो यह कर पाना फिलहाल मौजूदा समय की परिस्थितियों के अनुसार संभव नहीं है, और इसलिए इसको आपको पॉइंट वाइज अपने पक्ष और विपक्ष दोनों को बताते हुए लिखना होगा, क्योंकि एनालाइज करके इसमें पूछा गया है, परीक्षण करना है, तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। 4C, अंतर्राज्यीय नदियों के पानी से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय में केंद्रीय सरकार की भूमिका का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स। अब यह भी एक बड़ा मुद्दा है, जब आप यूनियन स्टेट रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो मैं आपको जो कंटेंशियस इश्यूज हैं, विवादास्पद मुद्दे हैं, जिन पर राज्य का एक दूसरे राज्य से, राज्य का भारत सरकार से हितों का टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसमें एक शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर भी एक इंपॉर्टेंट इशू है, नदियों के जल के बंटवारे को लेकर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट देखा, उसका कितना लंबे समय तक वो डिस्प्यूट पेंडिंग रहा और आखिरकार बड़ी मुश्किलों से जाकर के उस पर कोई अंतिम फैसला हो पाया। तो अब तक आजाद भारत में 5 इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्राइब्यूनल बनाए जा चुके हैं। ये सारा कुछ मैंने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। तो इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्राइब्यूनल का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है, ये कैसे बनता है, ये क्या काम करता है, किस डॉक्ट्रिन, किस प्रिंसिपल, किस बेसिस पर, किस सिद्धांत या फार्मूले के आधार पर ये दो या अधिक राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे को लेकर फैसला करता है। क्योंकि पहले जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते थे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होना चाहिए, राज्यों के बीच बराबर जल का बंटवारा होना चाहिए, वो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें अब देखने की जरूरत ये होती है कि राज्यों की भौगोलिक क्षेत्रफल की स्थिति क्या है, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल साइज ऑफ द स्टेट, नंबर 2 राज्यों में जनसंख्या कितनी कम या ज्यादा है, व्हाट इज द लेवल ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट, तीसरी बात वो राज्य कृषि आधारित, कृषि क्षेत्र से अधिक जुड़ा हुआ है या उद्योग और सेवा क्षेत्र से अधिक जुड़ा है, दैट स्टेट इज मोर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सर्विसेज और इंडस्ट्रियल एंड अदर सर्विसेज, चौथा हर राज्य की पानी की आवश्यकताएं उनकी अलग अलग होती हैं। तो उसमें एक प्रोपोर्शनेट फार्मूला जो है उसके लिए वर्ल्ड लेवल पर कुछ कन्वेंशंस भी हैं, कुछ फार्मूले भी हैं, ये सब मैंने आपको लिखवाया है, बताया है, इसको आप लिखते हुए अपना उत्तर कंप्लीट करेंगे। और केंद्रीय सरकार की भूमिका का परीक्षण आपको करना है। तो केंद्रीय सरकार की भूमिका यहीं तक सीमित रह जाती है कि वो एक न्यायाधिकरण का गठन कर देती है, फिर न्यायाधिकरण उस पर अपना निर्णय देते हैं, जिस पर अपील सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में होती है, और फिर उसको एग्जीक्यूशन कराने की, उसको लागू कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर होती है, जो कि बड़ा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि हर राज्य अपने अपने हित में जलों की मात्रा को चाहता है, वाटर ऑफ शेयरिंग को चाहता है। तो जब किसी राज्य में बाढ़ ज्यादा आ जाए, पानी ज्यादा भर जाए, तो वो दूसरे राज्यों में पानी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब थोड़ा सूखा, अकाल या पानी की कमी की स्थिति हो तो वो दूसरे राज्यों से भी ज्यादा जल लेना चाहते हैं।
तो जो न्यायाधिकरण का फैसला है उसको कैसे लागू कराया जाए, उसमें सभी संबंधित राज्य सरकारों की बैठक बुलाई जाए, चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हो और उस पर एक कंसेंसस डेवलप किया जा सके, ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो इस तरीके से सेक्शन ए खंड अ ये पूरा होता है। सेक्शन बी खंड ब के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी में पूरे उत्साह, लगन और जोश के साथ लगे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड विशेस फ्रॉम आवर साइड। और किसी तरीके से भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑप्शनल में आपको आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज या किसी तरीके की गाइडेंस की जरूरत हो तो इस वीडियो में दिए गए नंबर और एड्रेस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग के यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मॉडल आंसर राइटिंग की जाती है। हमारी जो टीम है वो एक रेगुलर टेस्ट सीरीज कराती है जिसमें आंसर का इवैल्यूएशन एक एक स्टूडेंट का बहुत कायदे से करके हम उनको फीडबैक देते हैं। अगर वो लखनऊ के बाहर हैं या ऑफलाइन नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं किसी वजह से, ऑनलाइन कर सकते हैं, तो वो भी टेस्ट सीरीज या हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड या लाइव लेक्चर्स ले सकते हैं या ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिनकी मैं इंडिविजुअल मेंटरिंग और पर्सनल अटेंशन व्यक्तिगत रूप से खुद ये सुनिश्चित करता हूं कि जितना ज्यादा समय आपकी तैयारी में व्यक्तिगत रूप से दिया जा सके ताकि आप बेहतर अंक पाएं और अंततः आपको सफलता मिले, इस उद्देश्य के साथ हम प्रयासरत रहते हैं। सो ऑल माई बेस्ट ऑफ लक एंड गुड विशेस टू यू। मेरी शुभकामनाएं आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए सदैव आपके साथ हैं। धन्यवाद।